सो टुडे इज द क्लास ऑफ लास्ट सर्कल रिप्रेजेंट टू एसेस इन फ्रेजोग्राफी. वी ऑलरेडी कंप्लीटेड दी अवर क्लासेस ऑफ लास्ट सर्कल इनिशियली मिडली एंड फाइनली. टुडे वी रीड दी लास्ट सर्कल. व्हेन लास्ट सर्कल कम्स इन फ्रेजोग्राफी, ठीक है, तो हम कैसे उसको यूज़ करेंगे जब दो एसेस एक साथ आएंगे हमारे फ्रेजोग्राफी में, ठीक है. सो फर्स्ट इज द इन फ्रेजोग्राफी अ लास्ट सर्कल इज यूज टू रिप्रेजेंट टू एसेस. फ्रेजोग्राफी में जो हमारा लास्ट सर्कल है वो डबल एसेस की जो साउंड आएगी उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. आप जैसे इजी फॉर्म में आप इसको कह सकते हैं कि जहाँ पर दिस, ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए दिस एंड इज, तो दिस के जब हम बनाते हैं दिस को, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसके लास्ट में एस आता है, एंड इज के लिए हम सिंपल सर्कल यूज़ करते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपने देखा है, ठीक है. तो अब ये जो एक साथ आ रहे हैं इनको हमें अलग से लिखने के जगह पे हम इनको एक ही सर्कल में लिख देंगे, ठीक है. कैसे, मैं आपको समझाती हूँ एग्जांपल्स में. सो फर्स्ट इज दिस इज, ये हो गया हमारा दिस इज, ठीक है. इसको हम फ्रेजोग्राफी में दिस इज रीड करेंगे, ठीक है. जब हम फ्रेजोग्राफी लिखेंगे फ्रेज कहीं पर भी दिस इज एक साथ आएगा हमारे डिक्टेशन में या हमारे शॉर्ट हैंड में, तो हम उसको फ्रेजोग्राफी में इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेपरेटली. अदरवाइज अगर हम इसको ऐसे नहीं यूज़ करते, अगर ये इजी, वैसे तो ये इजी फॉर्म है, ठीक है, आपका टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, अगर नॉर्मली इसको हम कैसे लिखते हैं, ये हो गया हमारा दिस, ठीक है, और ये हो गया हमारा इज, ठीक है, दिस इज. तो इसको हमने एक साथ लिखा है लार्ज सर्कल के फॉर्म में, ठीक है, दो एसेस एक साथ हैं इसलिए हमने दोनों एसेस को जॉइन करके एक साथ लिख दिया है, ठीक है. इसको आने के लिए आपको शॉर्ट फॉर्म्स को आना, ग्रामरलॉग्स आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप फ्रेजोग्राफी बना पाएंगे, ठीक है, तभी आप फ्रेजेस कर पाएंगे, अदरवाइज आप फ्रेजेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है. बिकॉज फ्रेजेस, बेसिकली फ्रेजेस इज़ दी कॉम्बिनेशन ऑफ द शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है. हम अपने शॉर्ट फॉर्म्स को ही मेनली एक साथ एक फ्रेज में लिखते हैं, ठीक है, उनको ही हम एक साथ ज्वाइन करके लिखते हैं. तो फ्रेजेस आने के लिए आपको आपके शॉर्ट फॉर्म्स को आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. नेक्स्ट इज दिस सब्जेक्ट. अब दिस का आपने देखा, मैंने आपको यहाँ पे बताया दिस हम ऐसे बनाते हैं, सब्जेक्ट का भी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा. अब देखिए यहाँ पे भी अगेन दो एसेस आ रहे हैं, तो हम इसको लास्ट सर्कल में लिख देंगे. ये हो गया हमारा दिस एंड लास्ट सर्कल एंड बी, ठीक है. तो ये हो गया, इसको हम क्या रीड करेंगे, दिस सब्जेक्ट, ठीक है, ये दिस सब्जेक्ट. नेक्स्ट दीज सब्जेक्ट्स, दिस हम ऑन दी लाइन लिखते हैं बट दीज को हम कट दी लाइन लिखते हैं, तो हम यहाँ पे इसको कट दी लाइन करके सब्जेक्ट्स लिखेंगे. तो ये हो जाएगा हमारा दीज. नेक्स्ट ये हो गया हमारा सब्जेक्ट्स, एस है तो ये एस हो गया हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट इन इज हिज, अब इज के लिए भी और हिज के लिए भी हम सेम इज और हिज ऐसे लिखा जाता है, ठीक है. अब इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेपरेटली वी जॉइंट बोथ, ये हो गया हमारा इज एंड हिज, ठीक है. आप जब मैं आपको इसके फ्रेजेस कराऊंगी तो मैं आपको इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स करवाऊंगी, ठीक है, तो आपको और भी अच्छे से
ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ने तो ये हो गया हमारा इज हिज, ऐसे ही हमारा जैसे एज और एज हमारा एक साथ आए, ठीक है, इज और हिज हो गया, एज और इज, तो भी हम इसको ऐसे ही एज और हैज, एज एज और इज एक साथ आए तो हम उनको ऐसे ही ज्वाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस सिटी, दिस सिटी अगेन एस एस कमिंग टुगेदर ज्वाइन, लास्ट सर्कल हम यहाँ पे बनाएंगे दिस सिटी, ठीक है, दिस सिटी, दिस इज दी, दिस इज एंड दी, टिक फॉर्म यूज कर दी मैंने यहाँ पे द की, ठीक है, तो ये हो गया हमारा दिस इज दी। नेक्स्ट इन दिस सिटी, इन दिस एंड सिटी, ठीक है, इन दिस सिटी, ओके, ऑल क्लियर। जहां पर भी दो एसेस एक साथ आते हैं उनको हम एक साथ ज्वाइन करके लास्ट सर्कल में उनको लिखते हैं, दो स्मॉल सर्कल, टू स्मॉल सर्कल मेक्स वन लास्ट सर्कल, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिक्स हो गया है, ये देखिए दो एस सर्कल इज इक्वल टू वन लास्ट सर्कल, ठीक है, मैथमेटिक्स फॉर्म में हो चुका है ये अभी। तो अब इस पे ये मैं आपको बहुत इजी लर्निंग के लिए बता रही हूँ, बट जहाँ पे भी दो एसेस एक साथ आए, ठीक है, तो हम उसको लार्ज सर्कल लिखते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको ये समझा दिया है, ओके। सो ये हो गया हमारा आज का क्लास, लार्ज सर्कल हमारे जो लार्ज सर्कल हैं वो फ्रेजोग्राफी में हमारे दो एसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। There. Subscribe to my channel and also press this bell icon.